सरल श्रीमद् भगवद गीता, गीता चिंतन और बोध, लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक, अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, कुल श्लोक 78, भाग 73, श्लोक 19 से 40 तक। ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख तीनों गुणों के अनुसार नाना प्रकार के होते हैं। श्लोक 19 अध्याय 18। ज्ञान कर्म च कर्ता चत्रिधेव गुण भेदत प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। विषय, तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद को सुनने की ईश्वर की आज्ञा। अनुवाद, गुणों की गणना करने वाले शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के बताए गए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। चिंतन, प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण उन गुणों में भेद करके ज्ञान, कर्म और कर्ता पर भी प्रभाव डालते हैं। यह प्रकृति व्यक्ति के शरीर के सभी गुणों को प्रभावित करती है, इसलिए व्यक्ति का ज्ञान, कर्म और कर्ता इसके अपवाद नहीं है। भगवान यहाँ अर्जुन को उसके बारे में बता रहे हैं। भगवंत कहते हैं कि गुणों की गणना करने वाले शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता तीन तीन गुणों के भेद से कहे गए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है। स्थिति विकट है। अर्जुन को अपने सामने योद्धाओं और शत्रुओं को देखकर बदली हुई मनस्थिति से बाहर लाना और वास्तविकता से अवगत कराना भगवान अपना कर्तव्य समझते हैं, नहीं तो उन्हें इतनी गहराई में जाकर उन्हें उस लालसा से मुक्त करने की आवश्यकता न पड़ती। ईश्वर अपने कर्तव्य के प्रति आश्वस्त है। उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच का अंतर बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। धर्म और अधार्मिकता के इस युद्ध में अन्याय करने वालों को उखाड़ फेंकना परमेश्वर अपना कर्तव्य समझता है। वे अर्जुन पांडवों को बहाना बनाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अर्जुन उन्हें उस उदास अवस्था में नहीं रखना चाहता। उसे इससे बाहर निकालना है और उसके तीर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को खिलाने के लिए है। खलनायकों के पतन से सज्जनों की रक्षा करनी होगी। उनके लिए नामुमकिन नहीं है। क्षणों में वे सुदर्शन चक्र को संचालित कर सकते हैं जिससे प्रलय हो सकती है, लेकिन वे उस दैवीय शक्ति का उपयोग इस निंदात्मक कार्य के लिए नहीं करना चाहते। मनुष्य को अपनी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के महत्व का भी एहसास होना चाहिए। वे स्वयं इसमें भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें अच्छाई, सच्चाई और साहस की क्षमता को जानने की आवश्यकता है, लेकिन अर्जुन की सच्ची शक्ति के खतरे को उसके मन को बदलकर ही दूर करना होगा। इसलिए वे कोई भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। वे उसे सिद्ध करने के बाद ही धनुष को स्पर्श करने के लिए कहेंगे। बोध, हम जीवन को जितना विस्तार से जानेंगे हमारी भ्रांतियां उतनी ही दूर होंगी। अंधविश्वास मिट जाते हैं, इसलिए जीवन का ज्ञान जहां से भी मिले उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारा लाभ है। कम से कम हम गलतफहमी, अंधविश्वास और डर में तो नहीं जीते। दुनिया की पीठ पर गर्दन अकड़कर और स्वाभिमान के साथ जीने की प्रवृत्ति है, यह बल के साथ आता है। नहीं तो अवसरवादी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसका फायदा उठाने को तैयार हैं। इसलिए शरीर के साथ साथ मन का भी मजबूत और स्वतंत्र होना जरूरी है। श्लोक 20 अध्याय 18। सर्वभूतेषु येन का भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम। विषय, सात्विक ज्ञान के लक्षण। अनुवाद, जिस ज्ञान से यह देखा जाता है कि विभिन्न भूतों में एक ही अविनाशी दिव्य तत्व है जो विभाजन रहित संभाव से भरा है, वह ज्ञान सात्विक है। चिंतन, दो आंखों के अलावा भगवान ने हमें तीसरा नेत्र भी दिया है, उसका नाम बुद्धि है। जिनके पास रूप है, जो प्रकट है, वे इस शरीर की भौतिक आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं। जब आप अपनी आंखें खुली रखते हैं तो आप उनके वास्तविक अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। वह वस्तु, वह शरीर किस चीज से बना है, हम इसका रंग और आकार देखते हैं। आंखों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग रास्ता खोजना और बिना किसी चीज से टकराए चलना है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले तो हमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम ऐसी अवस्था में चलने की कोशिश करेंगे तो हमें सड़क दिखाई नहीं देगी, हम कुछ भी मारेंगे, हम कई दुर्घटनाएं करेंगे, हमारी कई जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, खाना पीना, कपड़े, लिखना, पढ़ना, पढ़ाई, सब कुछ हमारे रास्ते में आ जाएगा। हमें आसानी से पता नहीं चलता कि ईश्वर ने हमें ये दो आंखें देकर कितनी बड़ी कृपा की है। यह अफसोस की बात है कि हम उन आंखों का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। पूछो उनसे जो इन आंखों के साथ पैदा नहीं हुए, आंखों का क्या महत्व है। उन्हें इस संसार में साधारण प्रकाश भी दिखाई नहीं देता, वे प्रकाश से तादात्म्य नहीं रखते, वे नहीं जानते कि वह कैसा है। हर जगह अंधेरा ही उनका संसार है। वे सोच सकते हैं कि इस दुनिया में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है। अगर उन्हें कुछ देखना है तो उन्हें दूसरों की आंखों पर भरोसा करना होगा और सुनना और समझना होगा।
एक आंख वाले से उस एक आंख का महत्व पूछो, उसकी नजर में वह एक आंख है, यानी उसकी पूरी दौलत है। भले ही सारी दुनिया की सारी दौलत उसे दे दी जाए, लेकिन वह किसी की तरफ आंख नहीं उठाएगा, क्योंकि उस एक आंख से वह इस संसार को जो देख रहा है और अनुभव कर रहा है, उस आंख के बंद होते ही वह गायब हो जाएगा। तो इस जन्म का क्या फायदा? आप इस दुनिया में क्या देखना चाहते हैं और अनुभव के बारे में क्या? इन दो आंखों के पीछे ईश्वर ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जो इस संसार को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे यह वास्तव में हमारे दिमाग में है, हम इसे तोड़ते हैं और इसे एक अलग रूप में देखते हैं। यह ईश्वर की इच्छा है कि जो सर्वत्र दिखाई देता है वही ईश्वर का साक्षात रूप है। इसके अलावा उनका एक और रूप है जो और भी अदृश्य है, जो इस प्रकट ब्रह्मांड को धारण करता है, जो अंदर और बाहर की चेतना है। सरल शब्दों में भगवान उसके बारे में कहते हैं, जिस ज्ञान से कोई यह देखता है कि सभी विभिन्न भूतों में अविभाजित संभाव को व्याप्त करने वाला एक अविनाशी दिव्य सार है, वह ज्ञान सात्विक है। बोध, उस परमात्मा को हम हर जगह नहीं देख पाते, इसका कारण यह है कि हमारी बुद्धि और प्रतिभा का तीसरा नेत्र बंद है। भौतिक सुखों के इन ढेरों में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमारी दृष्टि इनसे आगे तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ये सभी भूत, ये भौतिक संपत्ति उस परमात्मा के वास्तविक प्रकट स्वयंभू रूप हैं। उनकी ऊर्जा अंदर और बाहर भरी हुई है। हम जिस भी दृश्य तत्व को छूते हैं वह ऊर्जा के माध्यम से मौजूद होता है। लेकिन जब हम उस ऊर्जा को, उस चेतना को, उस ज्ञान को, अनुभव करने वाली बुद्धि को, उस प्रतिभा को जागृत रखेंगे, उस तीसरे नेत्र को खुला रखेंगे, तभी हम उस अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे। फिर हम गलती से उसे कहीं और ढूंढने चले जाते हैं, भटकने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही वह अपना तीसरा नेत्र खोलेगा, वह दिखाई देगा और उसका वास्तविक ज्ञान ज्ञात हो जाएगा, उसका अस्तित्व ज्ञात हो जाएगा। श्लोक 21 अध्याय 18। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम। विषय, राजस ज्ञान के लक्षण। अनुवाद, परंतु जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूतों में नाना प्रकार के भावों को देखता है, उस ज्ञान को तुझे राजस समझना चाहिए। चिंतन, राजस गुण वाले व्यक्ति का भाव उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार रजस होता है, उनकी दृष्टि भी उसी प्रकार की है। रजस गुण आसक्ति का गुण है, उसे अनेक भौतिक साधनों से आसक्ति होती है, वह खुशमिजाज आकर्षण से भरपूर है, इसलिए उसके पास एक व्यावहारिक व्यावसायिक दृष्टि है कि वह इस दुनिया से सबसे अधिक क्या प्राप्त कर सकता है और इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। ऐश्वर्य में रहने, धन संग्रह करने, राजसी वैभव में रहने, सत्ता प्राप्त करने और इन सब बातों को दुनिया को दिखाने में उलझे रहने के कारण उनकी तीसरी बौद्धिक प्रतिभावान दृष्टि धूमिल हो गई है। आसक्ति और स्वार्थ की इस प्रवृत्ति के कारण वह परब्रह्म आत्मा और परमात्मा को नहीं देख पाता। वह प्रत्येक दृश्य भूत को अलग तरह से मानते हैं, उन्हें एक भौतिक शरीर के रूप में गिनता है, उन्हें वस्तुओं के रूप में मानता है। इसलिए संसार को देखने की दृष्टि और उस दृष्टि में भाव भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उसे कहीं भी ईश्वर की एकता का अनुभव नहीं होता, वह उस ऊर्जा से, उस शक्ति से, उस चेतना से परिचित नहीं है। इसलिए भगवान व्यक्ति के रजस गुणों की दृष्टि से ऐसा कहते हैं, लेकिन जिस ज्ञान से व्यक्ति सभी भूतों में अलग अलग विभिन्न प्रकार के अलग अलग भावों का अनुभव करता है, उस ज्ञान को आप राजस मानते हैं। बोध, ज्ञानी और विवेकी लोग व्यवहार में अधिक समय तक नहीं टिक पाते, इसका कारण उनका स्वभाव है। उनकी दृष्टि इन लेन देनों से, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत दूर है। उन्हें इन भौतिक साधनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आदि परमात्मा को देखा है। सारा संसार उन्हें विष्णु के समान प्रतीत होता है। लेकिन एक राजसी व्यक्ति सोचता है कि व्यापार भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण भी व्यवहारिक है। वह यहाँ उन प्रत्येक तत्वों का अलग अलग मूल्यांकन करता है, इसलिए वह अलग अलग तत्वों, अलग अलग भूतों के मूल्य को अलग अलग महसूस करता है। वह उन सब के भीतर दिव्य चेतना नहीं देखता, वह उनके रूप को देखकर ही उन्हें महत्व देता है। श्लोक 22 अध्याय 18। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल् च तत्तामसमुदाहृतम्। विषय, तामस ज्ञान का लक्षण। अनुवाद, परंतु जो ज्ञान क्रियात्मक शरीर में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और जो तर्क, दार्शनिक अर्थ और तुच्छ से रहित है, वह तामस कहलाता है। चिंतन, मानव ज्ञान कहाँ है? यदि वह यह नहीं जानता तो वह केवल स्थूल शरीर में ही फंसा रहता है और उसका ज्ञान से भी कोई संबंध नहीं होता, यहाँ तक कि दुष्टात्मा से भी नहीं। वह ज्ञान केवल इस क्रियाशील शरीर से जुड़ा हुआ है, सुप्त अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति को वैचारिक बातों और सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं होता।
उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा और क्या हो रहा है। जब उन्हें अपना हित ही नहीं पता तो दूसरों का भला करने का क्या मतलब, इसका सीधा अर्थ भी नहीं समझते। ऐसा कहा जाता है कि जब जीवों को ब्रह्मा ने ज्ञान दिया तब ये वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने वहां कतार में खड़े होने की भी जहमत नहीं उठाई, वह भी बिना अक्ल लिए नीचे उतर आए। एक ही बात को हजार बार कहने पर भी उनकी समझ में नहीं आता। किसी के यहाँ मुफ्त का बस भोजन करना और आलसी की तरह लेटे रहना ही उनका धर्म है। इन्हें अपनी सुखी जीवन शैली के लिए किसी का विरोध बर्दाश्त नहीं होता है। उन्हें अपने हित की बातें बताकर भी वे उसे पसंद नहीं करते। ये वक्त आने पर उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें परेशानी में डालते हैं। यही कारण है कि अंत में उन्हें मूर्ख की उपाधि मिलती है, क्योंकि युक्ति और सिद्धांत जैसे गुणों से वे परिचित ही नहीं हैं। अपने कल्याण के लिए भी उनमें जरा सी भी बुद्धि नहीं बची है। अतएव इन तमोगुणी लोगों के विषय में भगवान कहते हैं कि इनकी बुद्धि के विषय में परंतु जो ज्ञान पूर्णा जैसे क्रियात्मक शरीर से जुड़ा हुआ है और जो तर्क दार्शनिक अर्थ और क्षुद्र से रहित है वह तामस कहलाता है। बोध आलस्य मनुष्य का शत्रु है, यह जानकर भी तमोगुणी मनुष्य को सुनने से कुछ लाभ नहीं होता। जी रहा है अपनी ही धुंध में, अपने ही नशे में, मानो नशे में हो। उसे कोई अच्छी बुरी बात समझ में नहीं आती। पेट भरने और अपने शरीर का आनंद लेने के अलावा उसकी बुद्धि और ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। मशीनें भी उनसे कहीं अधिक कुशल हैं। उन्हें जो काम दिया जाता है उसे बिना किसी झिझक के अंजाम देते हैं, लेकिन ये तमोगुणी लोग उन्हें कुछ भी बताने वाले के खिलाफ हो जाते हैं, वे इसे नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से संपर्क भी बहुत दमनकारी हानिकारक हो जाता है। श्लोक 23 अध्याय 18। नियतम संगरहितम रागद्वेषत कृतम अफल प्रप्सुना कर्म यत तत्सात्विकम उच्यते। विषय सात्विक कर्म के लक्षण। अनुवाद, जो कर्म शास्त्र विहित है और जो मनुष्य अपने किए पर अभिमान नहीं करता और फल की इच्छा नहीं रखता तथा जिसने क्रोध और द्वेष को त्याग दिया है वह सात्विक कहलाता है। चिंतन, शास्त्रों की रचना एक दिन में नहीं हुई है, वे आदिम मनुष्य से उन्नत आधुनिक मनुष्य तक के अनुभव हैं। वे सिद्धांत हैं कि क्या कारण है, लेकिन जो उनका पालन नहीं करते हैं वे उनका विरोध करने के लिए उनका खंडन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे शास्त्रों का विरोध करने का कोई कारण नहीं है यदि वे हमें और दुनिया को लाभ पहुंचाते हैं। इसके विपरीत उन्हें स्वीकार करके, उन्हें समझकर और अपने व्यवहार और चरित्र को बदलकर हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। हमें इससे अच्छाई लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक सात्विक व्यक्ति का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। वह दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है उसे आत्मसात करने और खुद को वैसा बनाने की कोशिश करता है। वह इसके लिए अपनी सारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खर्च करता है। हम अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग कर एक आदर्श जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इसमें बुरा क्या है? लेकिन दुष्ट बुद्धि के लोग जो अनेक नकारात्मक मनोवृत्तियों के साथ जीते हैं, स्वार्थ से ग्रसित लोग इस प्रगति को न देखते हैं और न ही सहन करते हैं। इसलिए वे कभी लोगों को सीधे रास्ते पर चलने नहीं देते। निश्चय ही ईश्वर ने उसे अपनी इतनी शक्ति प्रदान की है कि रजोगुणी और तमोगुणी लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि असली भगवान उसके साथ लगातार काम कर रहा है। जैसा कि उन्हें उस ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वह उनकी देखभाल करता है। उसके किसी भी कार्य में छल, द्वेष, स्वार्थ, मोह की भावना नहीं होती। इस कार्य को करने वाले सभी निःस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसमें कोई पाप नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने, लूटने या परेशान करने की भावना नहीं है। वह पवित्र मन से संसार में रहता और चलता है। वह एक अवैध जीवन नहीं जीता है, वह इसका अभ्यास नहीं करता है। इसलिए भगवान ने उनके गुणों की प्रशंसा की है। भगवंत कहते हैं कि जिन कर्मों को शास्त्र विहित करके ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपने किए पर गर्व नहीं करता है और फल की इच्छा नहीं करता है और जिसने क्रोध और द्वेष को त्याग दिया है वह सात्विक कहलाता है। बोध, बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे कर्म करते हैं तो उन्हें उसका कुछ न कुछ फल और लाभ अवश्य मिलता है। हम इसके बिना कैसे रहेंगे, अमीर कैसे बने? लेकिन यह उनकी गलतफहमी है, यह उनका डर है। जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है वह इस संसार में सबसे अधिक लाभान्वित होता है। या तो उसे उस कर्म में बहुत आनंद आता है, दूसरे क्योंकि वह अनासक्ति है उसे उसके लिए कोई दैख नहीं होता, तीसरा उस कर्म को पूरे मन से करने से वह बहुत ही दोषरहित और उत्तम कोटि का हो जाता है जिससे कोई भी बिना कुछ किए उसका सही मूल्य देने के लिए स्वतः ही तैयार हो जाता है, क्योंकि वह उस क्रिया को मौलिकता और आत्मीयता के साथ करता है। साथ ही इससे किसी लाभ की आशा न होने के कारण उसके मन में क्रोध और द्वेष की भावना का स्पर्श भी नहीं होता।
जहाँ आसक्ति नहीं होती वहाँ मन निर्मल होता है। ऐसे क्रोध द्वेष विकार इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए उन कर्मों को सात्विक कर्म कहा जाता है। श्लोक 24 अध्याय 18। यत्तु कामेप्सुना कर्म सहनारेण वा पुनः प्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम। विषय राजस कर्म के लक्षण। अनुवाद परंतु जो कर्म अत्यंत परिश्रमी और सुखों की इच्छा रखने वाले या अहंकारी मनुष्य द्वारा किया जाता है वह राजस कहलाता है। चिंतन व्यंग करने वाले व्यक्ति का व्यवहार बहुत परिश्रमी होता है और मानसिक तथा शारीरिक तनाव को बढ़ाता है, क्योंकि उनकी मानसिकता यह होती है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उससे हमें फायदा उतना ही ज्यादा होगा। हानि और लाभ उसका केंद्र है, यही उसका जीवन बन गया है, इसलिए वह दिन रात लाभ हानि के बारे में सोचता रहता है, केवल लाभ के बारे में सोचता है। तो वह खुद भी मशीन की तरह झूलता है और दूसरों को भी वैसे ही झूलाता रहता है। इससे वह अहंकारी हो जाता है और अपने काम पर गर्व करने लगता है। उसे लगता है कि मेरे जैसा निपुण और कोई नहीं है, कि मैं जो करता हूं वह सही है। लेकिन अगर उपलब्धि और जीने के बीच बेमेल है तो इस उपलब्धि का भी कोई मतलब नहीं है। मशीन बनकर जीने और इंसान बनकर जीने में बहुत फर्क है। मनुष्य सुख और संतोष पाकर जीवन यापन करता है, मशीनों में भावनाएं नहीं होती, वे सुख संतुष्टि नहीं जानती। इसलिए यह आदमी और मशीन के बीच का अंतर है। कोई कितनी भी मेहनत करे, कितना भी पैसा इकट्ठा करे, आखिर में उसे सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। राजस कर्म को छोड़कर मनुष्य सात्विक कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। बोध यह निश्चित है कि कर्म के बिना जीवन नहीं चलता। कोई व्यक्ति चाहे सत्वगुणी हो, रजगुणी हो या तमोगुणी, तीनों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन आसक्ति से किया गया कर्म मनुष्य को बांधता है, कष्ट पैदा करता है। इसलिए अनासक्त निष्क्रिय भाव से यदि कोई कर्म करने लगे तो वे कर्म जीवन में सुख और संतोष उत्पन्न करते हैं। यही कर्म करने का सच्चा सिद्धांत है। वह इस जागरूकता के साथ अभ्यास करना शुरू करता है कि इससे उसे अपने स्वभाव को बदलने में मदद मिलती है, सात्विकता बढ़ने लगती है। श्लोक 25 अध्याय 18। अनुबंधम क्षयम हिंसामन वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तत्तामसमुच्यते। विषय तामस कर्म के लक्षण। अनुवाद जो कर्म विशुद्ध रूप से अज्ञानवश परिणाम हानि हिंसा और शक्ति का विचार किए बिना किया जाता है वह तामस है। चिंतन जिस अज्ञानी व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होता है उसका प्रत्येक कार्य अज्ञान द्वारा ही होता है। वह केवल मनुष्य है क्योंकि वह एक शरीर है, उनके विचार शरीर से बाहर नहीं जाते, इसीलिए वह व्यक्ति जो भी करता है उसके कर्मफल की परवाह नहीं करता। उस व्यक्ति में यह योग्यता ही नहीं कि वह यह सोचे कि इससे क्या हानि होगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण अक्सर हिंसा और अत्याचार होते हैं। इन नासमझ तमस लोगों को पता नहीं है कि उनकी ताकत क्या है। बिना सोचे समझे ही वे अपने सभी कार्यों को इतनी अज्ञानता से करते हैं। एक युवा महिला को उसकी योग्यता को देखे बिना एक युवक द्वारा अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है। युवक स्वावलंबी और मेहनती था, लेकिन प्रकृति का यह तमस दोष उसमें अधिक होने के कारण ही वह उसके साथ रहने और उसे उचित सहयोग देने के बजाय निष्क्रिय रहती थी, आलस्य में रहती थी। एक आत्मनिर्भर अनुशासित व्यक्ति को ऐसे आलसी अप्रभावी साथी का साथ कैसे मिल सकता है? फिर वैचारिक मतभेद कर्म भेद, एक ओर अत्यंत कठोर अनुशासन और दूसरी ओर इसके पूर्ण अभाव के कारण उनमें झगड़े होने लगे, युवक की उन्नति में बाधा उत्पन्न होने लगी, जमकर बहस होने लगी। लेकिन युवती के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, उल्टा वह उसे कहीं और अपने पड़ोसियों समाज में अपने रिश्तेदारों के बीच बदनाम करने लगी। उसे दोष दिया गया, अपना सादा स्वावलंबी जीवन जीने वाला युवक असमंजस में था। इसमें हम कहां गलत हो गए कि हमने इस युवती और उसके माता पिता को बिना किसी तोशिश के स्वीकार कर लिया? इस सवाल का जवाब उन्हें कई सालों तक नहीं मिला। बच्चे घर में आए, वह बड़े हुए, उसने उनको जन्म दिया, उसने जीवन भर उसकी मूर्खता को सहन किया ताकि उन सबका जीवन खराब ना हो। उसने दुनिया में हर उस गति को कुचल दिया जिसे वह लेना चाहता था, जिस उत्साह को उसने महसूस किया। सीमाएं खींची गई हैं, जीवन का रहस्य खोजने की कोशिश की और जीवन भर उसकी मूर्खता को सहन किया। उन्होंने महसूस किया कि मानव स्वभाव बिना आत्म प्रयास के नहीं बदलते हैं, और जिनके पास जन्म के समय ऐसी बुद्धि की कमी होती है उनके पास जीवन में अपने साथी के लिए गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जो लोग सुधार से परे हैं उन्हें समझाते हैं, उन्हें दोष देते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें दंड देते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। जो पेड़ स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं और टेढ़े हो जाते हैं उन्हें सीधा करना मुश्किल होता है।
अंत में ऐसे अज्ञानी मूर्खों को उनके भाग्य पर छोड़ देना, उनके भाग्य को बदलने की धारणा को त्याग देना ही बुद्धिमानी है। बोध। हमारी एक कहावत है, कुत्ते की दुम चाहे नली में डाल दो, वह कभी सीधी नहीं होती। इस तामस प्रकृति से अनभिज्ञ मूर्ख लोगों का अध्ययन करके ऋषियों ने यह उक्ति कही है। हमारे आसपास ऐसे आलसी अज्ञानी मूर्खों के उदाहरण संसार में अनेक हैं। जो लोग खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को कुछ करने नहीं देते, ऐसा करने वालों के प्रति भी उनके मन में द्वेष उत्पन्न होता है। वे उनकी देखभाल कर रहे होंगे, उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे होंगे, लेकिन वे बिना किसी कारण के शत्रुता और घृणा की भावना से उन्हीं उपकारों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि हम उस व्यक्ति के साथ अपनी हत्या कर रहे हैं। उन्हें यह समझने का सामान्य ज्ञान भी नहीं है कि एक प्रगतिशील व्यक्ति अपने और अपने परिवार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उनके कर्म उनके स्वभाव के अनुसार, उनके शरीर और तम के अनुसार होते हैं। श्लोक 26 अध्याय 18। मुक्तस्मगोन्हवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्धे सिद्धियों निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। विषय, सात्विक कर्ता के लक्षण। अनुवाद, जो कर्ता आसक्ति रहित है, जो मैं मिल रहा हूँ नहीं कहता, जो साहस और उत्साह से भरा हुआ है, जो कर्म सफल हो या न हो के हर्ष शोक के विकारों से मुक्त हो, वह है सात्विक कहा जाता है। चिंतन, उस व्यक्ति के स्वभाव की विशेषताएं उसके कर्मों कार्यों और कार्य करने के तरीकों से निर्धारित होती हैं। व्यक्ति कैसा है यह उसके व्यवहार से तय होता है। ऐसे स्वभाव का कर्ता जो अनासक्त अभिमान रहित है और मैं मेरा हूँ नहीं कहता है, वह सात्विक कहलाता है। उनके अन्य गुण यह है कि वे हमेशा साहस और उत्साह से भरे रहते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि यह साहस और उत्साह कहाँ से आता है। उसका मन हमेशा शुद्ध और मुक्त शुद्ध रहता है। निस्वार्थ कर्म के कारण वह हमेशा निस्वार्थ भाव से करता है। यह अच्छी तरह से धोए हुए बर्तन की तरह चिकना होता है। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई विकार नहीं है। इसलिए उस परमात्मा की ऊर्जा उसके हृदय में निरंतर कार्य कर रही है। यह उस महान ऊर्जा के कारण है कि वह इतना निर्भीक और उत्साह से भरा हुआ है। किसी भी कार्य को करते समय अनासक्ति का मूल स्वभाव अपनाने से कार्य सफल हो या न हो, उसे लेकर मन उदास दुखी और प्रसन्न नहीं होता है। संक्षेप में, वह सात्विक हर्ष विकारों से रहित कहा जाता है। बोध। सात्विक गुणों का अभ्यास दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है, क्योंकि हमारा खान पान और हमारे आसपास की सामाजिक और पारिवारिक स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। हमने प्रकृति को दूषित कर उससे अपना ही सुख छीनकर जीने की तकनीक अपना ली है। मानव शरीर और उसका व्यवहार बिगड़ रहा है। यह बात धरातल पर नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर हम कम से कम उम्मीदों के साथ हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले लोगों और 2400 घंटे शहर में पैसे और दौलत के पीछे भागते रहने वाले लोगों की तुलना करें, तो हमें तुरंत दोनों की खुशी और संतुष्टि में अंतर दिखाई देगा। यदि कोई जीवन में सच्चा सुख सच्ची संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो प्राकृतिक जीवन अपनाने और शुद्ध सात्विक आचरण का अभ्यास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। श्लोक 27 अध्याय 18। रागी कर्म फल प्रसुर लुब्धो हिंसा तुमको शुचि हर्षोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। विषय, राजस कर्ता का चिन्ह। अनुवाद, जो कर्ता से आसक्त कर्मफल की इच्छा करने वाला, लोभी, दूसरों को दुख देने वाला, अशुद्ध आचरण वाला और सुखदायक से युक्त होता है, वह राजस कहलाता है। चिंतन, ऐसे स्वभाव और ऐसी विशेषताओं वाले लोगों को खोजने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के लोग अब हर जगह भर रहे हैं। इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। संसार में तीनों प्रकृति के लोगों की कुल संख्या को ध्यान में रखा जाए तो सबसे अधिक रजस गुण मिलेंगे, उसके बाद तामस और फिर सात्विक गुण होंगे। इस धरती पर बहुत कम सात्विक लोग बचे हैं। उन्हीं की पुण्य से इस संसार का प्रशासन चलता है। लेकिन व्यापारिक व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला एक रजस पुरुष सोचता है कि यह संसार मेरे जीवन पर चल रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है क्योंकि मैं निरंतर कर्म कर रहा हूँ। लेकिन वह उस बेचारे के इस अहंकारी रवैये के पीछे छिपे स्वार्थ का जिक्र नहीं करते। लेकिन वह यह नहीं दिखाते कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए कर रहे हैं। वह सज्जनता और कर्तव्य का पर्दा ओढ़कर अपना प्रचार करता है। इसलिए भगवान के बारे में कहा गया है कि जो कर्ता से जुड़ा हुआ है, कर्मों के फल की इच्छा रखता है, लोभी है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए इच्छुक है, अशुद्ध आचरण और सुख दुख से भरा हुआ है, वह रजस कहा जाता है। बोध। राजस और तामस प्रकृति के लोग इस संसार में अपने अपने तरीके से घूंघट ढककर एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। सादा जीवन का आचरण इनसे नहीं होता।
रजोगुणी पुरुष सदैव अपने कार्य में आसक्त रहता है, तभी तो व्यवहारिक बनता है, व्यापारी बनता है। प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। वह हर कर्म का फल चाहता है। वह वही करता है जो हितकारी होता है। वह दूसरी चीजों को नहीं छूता। अपने अत्यंत लोभी स्वार्थी स्वभाव के कारण वह निरंतर दूसरों के लिए पीड़ा का कार्य करता है। दूसरे की संपत्ति हमारी कैसे हो सकती है? इस जमाखोरी की प्रवृत्ति के कारण दूसरे उसके व्यवहार से आहत होते हैं, दुखी होते हैं। यह प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करता, इसलिए इसका आचरण और व्यवहार भी अशुद्ध होता है। वह उसमें आनंदित होता है जिससे उसे लाभ होता है, और उसमें आनंदित होता है जिसमें कोई लाभ नहीं होता है। जिसमें उसे हानि होती है वह शोक करता है, इसलिए इसे रजस गुणों वाली राशि माना गया है। श्लोक 28 अध्याय 18। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो निष्कृति कोलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। विषय तामस कर्ता के लक्षण। अनुवाद, जो कर्ता अनपढ़ अशिक्षित घमंडी धूर्त दूसरों के जीवन दृष्टि को नष्ट करने वाला शोक करने वाला आलसी और दीर्घजीवी होता है वह तामस कहलाता है। चिंतन, भगवान कृष्ण जैसा मनोवैज्ञानिक आपको इस दुनिया की पीठ पर नहीं मिलेगा। आज तक किसी भी मनोवैज्ञानिक ने मानव स्वभाव और प्रकृति का इतना विस्तृत अवलोकन न देखा और न ही पढ़ा। मनुष्य के शरीर के अनुसार सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी तीन प्रकार के स्वभाव होते हैं, लेकिन भगवान के अलावा और कोई भी इतनी गहराई तक नहीं गया है और उन्हें इतनी सूक्ष्मता से देखा है। यह आज तक देखने को भी नहीं मिला है। यहाँ इस श्लोक में भगवान ने तमस के कर्ता के बारे में ऐसा अवलोकन किया है। कर्ता अयुक्त का अर्थ है बिना किसी गुण के दोषों से भरा हुआ। अशिक्षित का अर्थ है कि वह अपने जीवन में स्वयं कुछ भी नहीं सीखता है, और वह मूर्ख है जो वह दूसरों से नहीं सीख सकता है। अभिमानी का अर्थ है जो अपने आप में बिना किसी गुण के बिना किसी योग्यता के घमंड करता है। आत्म महत्वपूर्ण मूर्ख ऐसा मूर्ख है। यह स्वार्थ और स्वार्थ की सारी बातें जानता है। दूसरों से अपना स्वार्थ धूर्तता से प्राप्त करने में तथा उसके लिए छल करके जीने में निपुण होता है। मजबूरी का ढोंग करके दूसरों के दिलों में दया पैदा करके दूसरों के मामलों में आपस में झगड़ कर उन्हें लड़ाकर दोनों से अपना स्वार्थ साधते हैं। इसमें कोई मरे या जिए इस मूर्ख को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसके संसर्ग से इसकी संगति से एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का सरल और सीधा जीवन गायब हो जाता है। वह जानबूझकर धोखे से इसे नष्ट कर देता है। वह इसके विपरीत कार्य करके जानबूझकर विद्वेष पैदा करके उसे दूर करके अपना महत्व बनाने का प्रयास करता है। यह शूद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो स्वयं शोक करता है, सदैव दुखी उदास जीवन जीता है और दूसरों को दुखी करने में आनंद लेता है। निरंतर आलस्य और टालमटोल करने का अर्थ है कि जिस कार्य को थोड़े समय में करना होता है वह भी बाद में होता है और दीर्घकाल में कभी नहीं होता। चाहे उसे कितना भी जरूरी काम करने के लिए कहा जाए वह तुरंत काम नहीं करेगा। उसे इसकी परवाह नहीं है। उसमें यह समझने की बुद्धि नहीं है कि समय पर सही कार्य करने से ही जीवन की उन्नति होती है। इसलिए वह समय और काम के महत्व को कभी नहीं समझता। इसके विपरीत वह उस काम को करना बंद कर देता है और बहस करने बैठ जाता है, दार्शनिक बातें करने लगता है, लेकिन वह उस काम को हाथ नहीं लगाता। बहुत न चाहते हुए भी वह तर्क वितर्क करके झगड़ कर और अनिच्छा से रो रोकर काम करता है। ऐसे लोगों का स्वभाव ही उनके व्यवहार को वैसा बना देता है जैसा वह होता है। यह उनमें लक्षण पैदा करता है। बोध, एक बार तो कोई गुणी व्यक्ति आसानी से वहन कर सकता है, लेकिन ये तमोगुणी लोग हमारे संपर्क में आ जाएं तो खुद कुछ नहीं करते और हमें कुछ करने नहीं देते। यदि आप पानी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने जाते हैं तो बचाने वालों के साथ कुछ डूबते हुए लोग भी डूब जाते हैं। ऐसा उनका अतीत है, ऐसा उनका स्वभाव है। हम कई परिवारों को देखते हैं जो कभी वैभव के शिखर पर थे, लेकिन अचानक यह अत्याचारी प्रवृत्ति हावी होने पर परिवार रसातल में गिरने लगता है। धीरे धीरे वह परिवार गरीब हो जाता है। इसका कारण उस घर में आए नए व्यक्ति के दुष्ट दरिद्र गुण है, लेकिन जहां रिश्ता बनता है उसे तोड़ना अक्सर मुश्किल होता है। फिर अंत में गरीबी झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। श्लोक 29 अध्याय 18। बुधेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रविधः श्रृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। विषय, तीन गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भेद को सुनने की ईश्वर की आज्ञा। अनुवाद, हे धनंजय, अब बुद्धि और धृत के गुणों के अनुसार तीन प्रकार के भेदों को सुनो। चिंतन, ज्ञान कर्म और व्यक्तित्व के अलावा भगवान अर्जुन को प्रकृति के तीन गुणों संदर्भ में मनुष्य की बुद्धि और उसकी धारणा का विस्तृत विवरण सुनने की आज्ञा देते हैं। हमें हमेशा आश्चर्य होता है कि सभी मनुष्यों के पास एक ही अंग एक ही शरीर एक ही इंद्रिया और एक ही मस्तिष्क क्यों है,
लेकिन बुद्धि और उस बुद्धि के कब्जे में इतना अंतर क्यों है? क्यों सभी एक जैसे विचार सुनते हैं लेकिन उन सभी विचारों को समान रूप से आत्मसात नहीं कर पाते हैं? एक ही कक्षा के सभी बच्चे एक ही शिक्षक से एक जैसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी उनकी सोच और उस ज्ञान को धारण करने की क्षमता में इतना अंतर क्यों है? कोई बिना ज्यादा मेहनत के विषयों को समझ लेते हैं, कुछ को इसे समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ बहुत कोशिश करने के बाद भी विषय को समझ नहीं पाते हैं। शिक्षक क्या पढ़ाते हैं यह उनकी समझ में नहीं आता। इन सब भेदों का केंद्र मस्तिष्क में है जो उसके बोध में अर्थात बुद्धि में है। प्रकृति के ये त्रिगुण सीधे उस धारणा को उस बुद्धि को प्रभावित करते हैं। एक सत्वगुणी व्यक्ति के मन अर्थात मस्तिष्क में और कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं होती। उस व्यक्ति का मन मस्तिष्क हमेशा खाली रहता है, कामुकता और विकार के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वहां ज्ञान को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। यह तुरंत अच्छे विचारों से भर जाता है। धारणा वही केंद्रित है, यह मन को बाहर भटकने नहीं देता, वह बाहर के विचारों को प्रवेश नहीं करने देती। रजोगुणी व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, कभी वह सकारात्मक सोचती है और कभी वह नकारात्मक सोचती है, इसलिए एक द्वंद्व होता है, विचारों का टकराव होता है, ताकि वहां अवधारण आंशिक रूप से काम करे, वह पूर्ण ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकती। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी विषय को पूरी तरह समझने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और देर से समझ में आती है। तीसरे तमोगुणी व्यक्तियों में धारणा शक्ति सुषुप्त अवस्था में निद्रा अवस्था में होती है, इसलिए उनके मन में कोई विषय नहीं आता, सकारात्मक और नकारात्मक के बीच कोई द्विभाजन नहीं है, वहां ज्ञान के द्वार बंद हैं। भगवान अर्जुन को इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बोध धारणा की शक्ति जिसे हम बुद्धि में परिवर्तित करते हैं प्रकृति के इन सत्व रज और तम गुणों से सीधे प्रभावित होती है। हमने अतीत में देखा है कि मनुष्य या अन्य जीव भोजन से पैदा होते हैं, उनका करियर जीवन भोजन पर आधारित होता है, इसलिए उस अन्न का सीधा असर बुद्धि और समझने की शक्ति पर धारणा शक्ति पर पड़ता है, क्योंकि खाना प्रकृति से बनता है। प्रकृति भोजन में अपने गुण छोड़ती है, संक्रमित करती है, इसलिए हमारे जीवन में हमारे भोजन और जल का विशेष महत्व है। जो लोग सड़ा हुआ बासी भोजन करते हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। जो अम्लीय तेज तीखा भोजन करते हैं वे रजोगुणी होते हैं और जो सात्विक सादा भोजन करते हैं वे सत्वगुणी होते हैं। भोजन के इन्हीं गुणों के अनुसार उनका स्वभाव विचार और बुद्धि भी बनती है। इस सच्चाई को दुनिया में कोई भी नकार नहीं सकता। श्लोक 30 अध्याय 18 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भयाभे बंधम मोक्ष च या वेति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। विषय सात्विक ज्ञान के लक्षण। अनुवाद हे पार्थ, जो बुद्धि प्रज्ञा और निवृत्ति कर्तव्य और अकर्तव्य भय और अभय साथ ही बंधन और मोक्ष के मार्ग को वास्तव में जानती है वह सात्विक ज्ञान है। चिंतन जो लोग अच्छे और बुरे के बीच सटीक अंतर को तुरंत जान लेते हैं वे अपने मन और विचारों के दरवाजे बुरी प्रवृत्ति विचारों के लिए बंद कर देते हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे जानते हैं कि एक बार जब ये दुष्ट प्रवृत्तियां ये बुरे विचार वासनाएं और विकार हमारी बुद्धि में प्रवेश कर गए तो हम भी बुद्धि के साथ उन्हीं विकारों के शिकार हो जाएंगे, इसलिए वे तुरंत किसी भी विचार की जांच करते हैं और उसी विचार ज्ञान को अपनी बुद्धि में अपने मन में अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने देते हैं। इसलिए अच्छे विचारों के लिए बहुत जगह बची है, उन्हें यही चाहिए। अच्छी बातों अच्छे विचारों को हमेशा प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि इससे उन्हें स्वीकार और आदान प्रदान किया जा सकता है। इन लक्षणों को आत्मसात करने के लिए हमें शुरुआत में अपने मस्तिष्क पर जोर देना पड़ता है, अपना आचरण और व्यवहार वैसा ही बनाना होगा, इसी तरह जीवन को निर्देशित करना होगा। यह हमेशा की तरह आदत अभ्यास का हिस्सा है। यदि आप हर चीज में अच्छाई और बुराई देखने के आदि हो जाते हैं और उनमें से अच्छाई ही स्वीकार कर लेते हैं तो शरीर और मन दोनों के लक्षण एक जैसे होंगे। बाद में एक पल में अच्छे और बुरे के बीच का अंतर पता चल जाता है और जीवन में जो भी अच्छा है उसे अपने आप स्वीकार करने की आदत हो जाती है। यह सात्विक ज्ञान का लक्षण है जिसे हम मेहनत से कमा रहे हैं, इसलिए भगवान इसके विषय में कहते हैं हे पार्थ, जो बुद्धि प्रज्ञा और निवृत्ति कर्तव्य और अकर्तव्य भय और अभय साथ ही बंधन और मोक्ष के मार्ग को वास्तव में जानती है वह सात्विक ज्ञान है। बोध हमें बचपन में शिक्षा क्यों मिलती है? तो उस उम्र में हमारे सोचने का पटल कोरा होता है, दिमाग बिल्कुल खाली है। उम्र के साथ साथ हमारे अनुभव और विचार हमारे दिमाग में जमा हो जाते हैं। एक बार जब वे वहां होते हैं तो उन्हें बदलना मुश्किल होता है, इसलिए हमें जो भी अच्छे संस्कार पैदा करने हैं वह हमें इन बच्चों पर बनाने होंगे।
एक बार उनकी सोचने की क्षमता अच्छी हो जाए तो वे जीवन भर अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे। इसलिए उस छोटी सी उम्र में ही उनमें अच्छे संस्कार डाल देने चाहिए, स्वदेशीय रूप से देने चाहिए। इसे नजरअंदाज करने से काम नहीं चलता। ठीक यही बात है कि लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। वे बच्चों को जन्म देते हैं, उनके खाने पीने और रहने का ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षित करना और उन्हें अच्छी शिक्षा देना भूल जाते हैं। फिर आगे और उनके द्वारा परिणाम उनके सामने आ रहे हैं। श्लोक 31 अध्याय 18। यया धर्म धर्म च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। विषय: राजसी ज्ञान का संकेत। अनुवाद: हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म के साथ साथ कर्तव्य और अकर्म को भी ठीक से नहीं जानता, वह राजबुद्धि है। चिंतन: प्रतापी बुद्धि तीक्ष्ण गुणों से संपन्न होती है। वह उलझन में है तो वह पक्का निर्णय नहीं करती। कभी यह सकारात्मक सोचता है तो कभी नकारात्मक, कभी इस छोर पर कभी उस छोर पर। ये लोग अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। उनके लिए जो सच है वह अक्सर झूठा होता है और जो झूठ होता है वह सच होता है। इसलिए उनमें द्वंद्व है। जैसे ही हवा चलती है, ये हवा की दिशा में चलती है। इसीलिए भगवान ने उनके विषय में यह कहा है कि हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म के साथ साथ कर्तव्य और अकर्म को भी ठीक से नहीं जानता, वह राजबुद्धि है। कुछ नेता अपनी महानता के लिए अक्सर ऐसी दोहरी भूमिका निभाते रहते हैं। वे घर में, परिवार में और समाज में भी नेतृत्व करते हैं। कभी ये एक पार्टी में होते हैं तो कुछ समय बाद दूसरी पार्टी में नजर आते हैं। कभी कभी ये अपने परिवार के प्रति बहुत स्नेही होते हैं तो कभी अचानक दुनिया से डर जाते हैं और परिवार के लोगों से नफरत करने लगते हैं। वे उन्हें हीन और दूसरे दर्जे का मानने लगते हैं। उनकी शर्त है ना घर का ना घाट का। यह चंचल द्विचित व्यक्तित्व है। वे केवल स्वार्थ जानते हैं। उन्हें अपने सुख संतोष सम्मान में रुचि है। करने में गर्व है, कठिन है, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी प्रतापी है। बोध: कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर को इन तीन प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म नहीं देना चाहिए था। अच्छा होता कि हम सात्विक स्वभाव के साथ पैदा हुए होते। यह संघर्ष, यही युद्ध मनुष्य के बीच न हुआ होता। लेकिन हमारी नजर में ये अगर तब की बातें हैं। हम भगवान से ज्यादा समझदार नहीं हैं। उनकी सोच और हमारी सोच, हमारी बुद्धि में बहुत बड़ा फासला है। हम अंश हैं, वह अनंत है। हम खुद को भ्रष्ट करते हैं। वह हमें ऐसा नहीं बताते। वह आपसे इसकी उम्मीद नहीं करता है। हम दुनिया देखना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे। उसने इसे पूरा किया। उस परमपिता का क्या दोष है कि हम उसके महत्व और सीमाओं को नहीं समझते। सुखी संतुष्ट आत्मा को वह सुख संतोष भी मीठा नहीं लगता। ऊब भी जाता है और वह आत्मा फिर प्रकृति के गुणों में अटक जाती है। तब उसके लिए खुद को इससे बचाना मुश्किल हो जाता है। श्लोक 32 अध्याय 18। अधर्म धर्मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि स पार्थ तामसी। विषय: तामसी बुद्धि का एक लक्षण। अनुवाद: हे अर्जुन, तमोगुण से युक्त बुद्धि जो अधर्म को भी, यही धर्म है, मानती है और इसी प्रकार अन्य सभी पदार्थों को विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। चिंतन: यथार्थ तथ्य सत्य के प्रति जागरूकता का अभाव ही तमोगुण है। उन्हें सच और झूठ का फर्क नहीं पता। पाप और पुण्य में कोई फर्क नहीं देखता। वे सत्य और असत्य में भेद करते हैं और असत्य को सत्य बनाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि क्या सच है और क्या झूठ। समझने की बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भी पाप अपराध करते समय कुछ भी महसूस नहीं होता। वे जोर देकर कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। वे आश्वस्त हैं और समझते हैं कि इसमें कुछ भी बुरा या गलत नहीं है। वे दुनिया को मजबूर करते हैं कि हम जो करते हैं उसका विरोध न करें। इस संसार में यदि उसके हाथ में कुछ भी आ जाता है तो वह उसे नष्ट करने से नहीं हिचकिचाता। इनका धर्म बढ़ाना और नष्ट करना है। वे दुर्गुणों से लबालब भरे हुए हैं। वे केवल अच्छे को नष्ट करना जानते हैं, इसलिए इसे भगवान के मामले में कहा गया है। हे अर्जुन, तमोगुण से युक्त बुद्धि जो अधर्म को भी, यही धर्म है, मानती है और इसी प्रकार अन्य सभी पदार्थों को विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। बोध: सत्वगुणी व्यक्ति धर्म को ही धर्म मानकर जीता है। उन्हें धर्म और अधर्म का तत्काल ज्ञान था। एक रजोगुणी पुरुष धर्म और अधर्म के मामलों में भ्रमित रहता है। सत्य तक पहुंचने में उसे समय लगता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन तामसिक बुद्धि के व्यक्ति को धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि तमोगुण उसके पूरे विवेक पर कब्जा कर लेता है। वह व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मान लेता है।
तब व्यक्ति को पाप और दंड के बीच का अंतर नजर नहीं आता। चोरी करना, पाप करना, अपराध करना, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में कितना भी बुरा क्यों न हो, इस व्यक्ति की दृष्टि में बुरा नहीं है। इस व्यक्ति को कुछ नहीं लगता। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हानि और लाभ के बीच का अंतर नहीं पता है, वह व्यक्ति पाप और दंड के बीच के अंतर को कैसे जानेगा? श्लोक 33 अध्याय 18। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्य विचारिण्य धृति सपार्थ सात्विकी। विषय सात्विक धृति के लक्षण। अनुवाद हे पार्थ, सात्विक धारणा जिससे व्यक्ति मन, आत्मा और इंद्रियों की गतिविधियों को ध्यान के माध्यम से धारण करता है। चिंतन उद्देश्यपूर्ण ढंग से सद्ज्ञान प्राप्त कर जीवन को सुगम बनाना प्रत्येक जीव का धर्म और कर्तव्य है। हमें उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में संचित करने और बनाए रखने के लिए अपने मन, आत्मा और इंद्रियों की सहायता लेनी होगी। ध्यान है एकाग्रता। जब यह एकाग्रता मन, आत्मा और इंद्रियों के स्थान पर लागू होती है तो मन के अन्य विचार वहां से गायब हो जाते हैं। मन मुक्त रहता है। मन को अन्य विषयों में जाने दिए बिना, उसे भटकने न देते हुए, वर्तमान में जिस विषय को हम आत्मसात करने जा रहे हैं वह है मन, आत्मा और इंद्रियों को केवल उसी एक विचार पर एकाग्र करना, कि अव्यभिचारिणी धारणा है। ध्यान योग के अभ्यास से हम इस प्रकार की एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान का इतना महत्व है। हम जिस विषय को सीखना चाहते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए ध्यान किया जाता है। मन, आत्मा और इंद्रियां एकाग्र होती हैं। उन्हें किसी अन्य बाहरी मामलों पर भटकने की अनुमति नहीं है। उनकी चंचलता, उनका भटकना वश में हो जाता है। शरीर और आत्मा की सारी ऊर्जा एक ही विषय पर केंद्रित है। यह उनके लिए आसानी से संभव है जिन्हें अपने मन की सुनने की आदत है। परंतु जो लोग अपने मन को भटकने देते हैं और अन्य विषयों में चले जाते हैं, वे इस ज्ञान को नहीं समझते। इसलिए ध्यान एक कला है, एक तपस्या है, एक साधना है। बार बार निरंतर अभ्यास करने वाला ही इसे जान पाता है और प्राप्त कर लेता है। तब वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी, किसी भी स्थिति में अपने मन को साफ और स्थिर कर सकता है। एक बार मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो आत्मा और शरीर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। सात्विक व्यक्ति का स्वभाव सामान्य होता है और उसे अन्य विकार नहीं होते, कोई वासना नहीं है। अतः ऐसे गुणों वाला व्यक्ति इस साधना को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। भगवान इस बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, भजन, ध्यान और निष्काम की क्रिया मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को अव्यभिचारी बोध अर्थात मन, प्राण और इंद्रियों की शक्ति से ईश्वर प्राप्ति के लिए धारण करना है। भगवत विषयों को छोड़कर अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना व्यभिचार है। जिस बोध में वह दोष नहीं होता, वह अमिश्रित बोध होता है। वह धारणा सात्विक है। बोध हमारे जन्म का मूल उद्देश्य परम पिता को जानना है। जो उस चेतना के साथ रहता है, उसका मन, आत्मा और इंद्रियां हमेशा शुद्ध सात्विक रहती हैं। और जो अन्य विषयों में लगा रहता है, उसका मन उन सांसारिक विचारों से दूषित हो जाता है। तब वे विचार मन, आत्मा और इंद्रियों को भी प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, हमारी बुद्धि गंदी हो जाती है, व्यभिचारी धारणा कहलाती है। मालिन बुद्धि कहती है, जो इससे रक्षा करके अपनी रक्षा करता है, वह सात्विक जीवन को प्राप्त करता है। श्लोक 34 अध्याय 18। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। विषय राजसी प्रकृति का एक चिन्ह। अनुवाद लेकिन कुंती के पुत्र अर्जुन, फल चाहने वाला व्यक्ति अत्यधिक आसक्ति के कारण धर्म, अर्थ और काम को जिस भाव से धारण करता है वह राजसी है। चिंतन प्रत्येक कर्म में आसक्त रहना, फल की आशा करना राजसी स्वभाव का लक्षण है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकृति का व्यक्ति यह देख रहा है कि वह जो करता है उससे उसे क्या लाभ मिल सकता है। इसलिए उनकी धारणा उन स्वार्थी विचारों से दूषित हो जाती है। उन्हें वह वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें यह आत्म चेतना नहीं है कि उनका जन्म परमपिता परमात्मा को जानने के लिए हुआ है। वे भौतिक सुखों के मोह में पड़कर उनमें फंस जाते हैं, व्यवहारिक हो जाते हैं। वे जिस धर्म का पालन करेंगे वह भी उनके लगाव और स्वार्थ से बना है। संक्षेप में, लेना, पाना और संग्रह करना ही जीवन में उनका धर्म बन जाता है। अर्थ उनका जीवन है। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा उस अर्थ को, धन को, ऐश्वर्य को बटोरने में एकाग्र हो जाती है। पैसा ही उनका सब कुछ है। तो उसी पैसे में परमात्मा को देखेंगे और उसी पैसे में तोलेंगे। ईश्वर वास्तव में इतना सामान्य है या नहीं, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लायक भी होना चाहिए।
लेकिन यदि विचार में ही वह क्रिया है तो उनकी क्षमता उत्पन्न होती है और इस प्रकार मनुष्य कार्य करना शुरू करता है। ईश्वर के हिसाब से यह सारी जमीन भी एक लाठी या फावड़े के बराबर नहीं है। तब हमें सोचना चाहिए कि वह अपने पैसे के लिए क्या कीमत चुका रहा होगा। पैसा मनुष्य का एक व्यवहारिक साधन है, भगवान यह नहीं जानता। इसका दायरा बहुत बड़ा है। सूर्य तारे उसकी ढाल हैं, वे उसके साधन और धन हैं। वह उन्हें भी महत्व नहीं देता। वह केवल भाव का भूखा है, विश्वास का भूखा है। जिसके हृदय में यह विश्वास है, यह प्रेम है, वही ईश्वर है। वही मनुष्य का सच्चा धन है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह सारे ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेता है। वहां इस अर्थ में धन का कोई महत्व नहीं है। अपने चारित्रिक गुणों के अनुसार ये लोग कामुक विषयों यानी कामेच्छा में समान रूप से आसक्त और फंसे रहते हैं। वे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तब उनमें व्यसन और वासना की भावना भड़क उठती है। वे उन दोषों से स्वयं को रोक नहीं पाते। वह अपने जीवन की दिशा बदल देता है। एक रजस में सभी इरादों और उद्देश्यों के साथ ऐसे गुण होते हैं। बोध जीवन जीने के लिए लेन देन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे आगे निकल जाना और उसकी अति करना निरंतर उससे आसक्त रहना है, जो एक बुरा गुण है। ऐसे लोग अपने हर कार्य में व्यवसाय की तलाश में रहते हैं, इसलिए उन लेन देन से उनका दिमाग दूषित और खराब हो जाता है। परोपकार को छोड़कर वे इस संसार में फंस जाते हैं। संचय ज्ञान के विकास के साथ केवल साधन और धन का संग्रह करना उनके जीवन का धर्म बन जाता है। वे शक्ति, धन, काम जैसे भौतिक सुखों में ही सुख पाते हैं। वे जीवन भर इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, अपनी ही पीठ के पीछे भागते रहते हैं। फिर उस भागदौड़ में क्षणिक सुख मिलने पर भी उन्हें अपने ही कर्मों के कारण दीर्घ संघर्ष और यातना मिलती है। भले ही उन्हें उम्मीद के समय महसूस न किया गया हो, लेकिन सूर्यास्त के समय वे निश्चित रूप से महसूस होने लगते हैं। फिर पछतावे का समय आता है। तुमने क्या पाना चाहा और क्या पाया। इस प्रकार उनका देहांत हो जाता है। कुछ इसकी अनुशंसा भी नहीं करते हैं। अंत तक पाना ही उनका धर्म बन जाता है, लेकिन वे यह भी भूल जाते हैं कि जो मिला है उसे छोड़ना पड़ेगा। वे अज्ञान में ही जन्म लेते हैं और अज्ञान में ही जीते हैं और उनका अंत भी उसी प्रकार होता है। श्लोक 35 अध्याय 18। यया स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। विषय तामसी धृति के लक्षण। अनुवाद, हे पार्थ, धारणा तामसी वह धारणा है जिसके द्वारा दुष्ट बुद्धि मनुष्य नींद, भय, चिंता, शोक और उन्माद को नहीं छोड़ता। चिंतन, किसका दिमाग खराब है। जो मनुष्य स्वयं कुछ न करके दूसरों का शोषण करके दरिद्रता में जीने का प्रयत्न करता है वह दुष्ट बुद्धि का मनुष्य कहलाता है। इस मनुष्य की बोध शक्ति इतनी अधिक है कि दूसरों को लूटने और ऐश्वर्य, धन, विलास में रहने के अतिरिक्त उसके पास कोई संसार नहीं है। वह स्वयं कुछ करने, प्रयत्न करने के योग्य नहीं है। वे अपने खाने वालों पर नमक भी खाते हैं, वे उनसे घृणा और तिरस्कार भी करते हैं। ये हमेशा आलस्य में रहते हैं और सोते हैं। चेतना और उत्साह के बीच कोई हिस्सा नहीं है। आप अपने जीवन को रुचि के साथ नहीं जीते हैं और ये कौशल आपके धीमे दिमाग से किसी और से जीवन में रुचि लेने के लिए पर्याप्त है। उन्हें सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम जपना, दिन को अच्छे तरीके से और उत्साह के साथ बिताना जैसी बातों से कोई लेना देना नहीं है। सुबह, दोपहर, रात कहीं भी सिर्फ सोना और दूसरों का उत्साह खराब करना उतना ही बेवकूफी है। उन्हें चाहे कहीं भी घुमाने ले जाया जाए, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। वहां भी वे प्रकृति की खूबसूरती देखने के बजाय सोने में मस्त हैं। उन्हें अपने साथ ले जाना अपने गले में पत्थर रखने जैसा है। उनके पास बाहर रहने का वैसा ही तरीका है जैसा वे घर में रखते हैं। हम उनसे किसी सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। उनके मन में डर इतना अधिक होता है कि यदि कोई कुछ हितकर कहने भी जाए तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात का गलत अर्थ निकालकर उनका वजूद ही मिटा देगा। उस डर के कारण बहुत से लोग गलत फहमियां पैदा करके अपना बचाव करने के लिए एक कपटी रवैया रखते हैं। ये दुष्ट दिमाग वाले लोग बिना किसी कारण के एक दूसरे को गलत समझने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे अपने करीबी लोगों पर भी भरोसा नहीं करते हैं। मृत्यु का भय इतना अधिक होता है कि वे मृत्यु के भय के दबाव में ऐसी स्थिति में रहते हैं कि किसी भी बात पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। जरा सा भी दर्द या बीमारी होने पर वे तुरंत मौत से डर जाते हैं। इसलिए वे हमेशा चिंताओं और दुखों के दबाव में रहते हैं। वे अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं और तो और उन्माद की स्थिति में भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर कोई घटना इन पर पलट जाती है तो वे तमाशा और नखरे करके जो उन्माद दिखाते हैं वह दूसरों के लिए भ्रम पैदा करता है। क्या वास्तव में कोई इस व्यक्ति को कुचल रहा है, ऐसा लगता है,
लेकिन उस उन्माद के पीछे भी उनका वह ढोंग है, डर का भी इशारा है। इसलिए वे उस आक्रामकता को इस तरह व्यक्त करते हैं और अवसर को लपक लेते हैं। उन्हें कितना भी समझाया जाए, वे अपनी जिद और उन्माद नहीं छोड़ते। इसलिए किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को भगवान ने तामसी धारणा कहा है। बोध, तामस भाव वह व्यक्तित्व है जो मनुष्य के सरल जीवन को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। जिन्हें पहले राक्षस कहा जाता था, ऐसे लोग आज भी समाज में पाए जाते हैं। पहले इनकी गांवों और शहरों तक पहुंच नहीं थी, उन्हें जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। वे वहीं रहते थे, वे अपनी हिंसक दुष्ट प्रवृत्ति के अनुसार जीते थे, लेकिन अब उन्हें वहां से भी हटा दिया गया है। फिर भी ऐसे लोग अभी भी समाज में बने हुए हैं, क्योंकि वे जन्म लेते हैं और सामान्य लोगों के जीवन पर अधिकार और अधिकारों के साथ रहते हैं। ये न खुद कुछ करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं। श्लोक 36 और 37 अध्याय 18। सुक्त विदानी त्रिविध श्रृणु में भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दु खांतम च निगच्छति यत्तदग्रे विषमेव तत्सुख सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसाद जम। विषय त्रिगुण के अनुसार सुख के भेद को सुनने की ईश्वर की आज्ञा और सात्विक सुख का लक्षण। अनुवाद, हे भरतश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे तीन प्रकार के सुख सुनो। जो सुख साधक को भजन, ध्यान और सेवा आदि के अध्ययन से प्राप्त होता है और जो उसके दुखों को दूर करता है, जो पहले पदार्थ की तरह लगता है लेकिन अंत में अमृत की तरह होता है, दिव्य ज्ञान की पेशकश से उत्पन्न खुशी सात्विक कहा गया है। चिंतन, व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अंततः वह एक सुखी जीवन की अपेक्षा करता है। सत्वगुणी मनुष्य सुख चाहता है, इसी प्रकार पुण्यात्मा भी सुख चाहता है और सदाचारी भी सुख चाहता है, लेकिन प्रकृति के इन तीनों गुणों के सुख की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को इसके बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे तीन प्रकार के सुख सुनो। प्रसन्नता जीवन का मूल आधार है, सभी जीव सुख के लिए जीते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों के अनुसार, उस जीव की भावनाओं के अनुसार उस सुख की परिभाषा भी अलग अलग बनाई जाती है। पहले मनुष्य वनों में ही निवास करता था और कंद और अनाज खाकर अपना निर्वाह करता था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके खाने पीने की आदतों में भी बदलाव आता गया। उन्होंने उस प्राकृतिक भोजन को संसाधित किया और उसे हल्के तीखे आदि गुणों वाली चीजें बनाकर खाना शुरू कर दिया, जो उनकी जीभ के लिए अधिक स्वादिष्ट अधिक मीठा होगा। जैसे जैसे उन्होंने अपना आहार बदला, उनका स्वास्थ्य भी बदलता गया। स्वभाव के अनुसार फिर उनका स्वभाव भी और बदल गया। उनके स्वभाव के अनुसार उनका व्यवहार और आचरण भी बदल गया, और फिर उनकी डाइट के हिसाब से उनकी खुशी की परिभाषा भी बदल गई। जैसे जैसे हम पेड़ की जड़ों में खाद डालते हैं, पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। मनुष्य प्रकृति में तेजी से बदलता रहा, लेकिन पशु और पक्षी प्रकृति के करीब बने रहे, इसलिए उनकी भावनाएं और सुख समान रहे। मनुष्य कभी एक चीज से संतुष्ट नहीं होता, वह कभी खुश नहीं होता। जब एक चीज का नयापन खत्म हो जाता है तो वह दूसरी चीज में खुशी तलाशने लगता है। उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती, वह चंचल है, इसलिए उसकी खुशी की परिभाषा लगातार बदल रही है। फिर भी ईश्वर प्रकृति ने उसे इन तीन गुणों की सीमा प्रदान की है, वह इससे आगे नहीं जा सकता। समुद्र अपनी सीमा नहीं लंघ सकता, चाहे उसमें कितना भी पानी क्यों न हो। कोई व्यक्ति कितना भी उन्नत क्यों न हो, वह इन तीन गुणों की सीमाओं को पार या भेद नहीं सकता। सत्वगुणी मनुष्य का सुख भगवान ने उसके स्वभाव के अनुसार बताया है, जिस सुख में साधक भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से भोगता है और जिससे उसके दुख दूर होते हैं। जो पहले तो विष के समान प्रतीत होता है, पर अंत में अमृत के समान होता है, दिव्य ज्ञान रूपी प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सुख को सात्विक कहा गया है। बोध, सभी सुखों की संतुष्टि अंततः मनुष्य के अंतरतम हृदय आत्मा तक पहुंचती है। सच्चा सुख वही है, सात्विक गुणों वाले व्यक्ति ने इसे पाया है, इसलिए वह सती भौतिक साधनों में उलझे बिना सीधे परमात्मा के पास जाता है। यह वहां है कि व्यक्ति शाश्वत रूप से स्थिर आनंद खुशी का आनंद लेता है। शरीर को भगवान का मंदिर कहा जाता है। यदि आप किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको पहले वहां पहुंचने के लिए यात्रा करनी होगी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जब हमें गर्भ से होकर मूर्ति के गर्भ में प्रवेश करना होता है, तब हमें उस परमात्मा की झलक मिलती है। वहां उसे वह आनंद वह संतोष मिलता है। एक सत्वगुणी पुरुष भगवान के हृदय तक पहुंच गया है, वह भगवान का पुजारी बन गया है। तमोगुणी पुरुष अभी बाहर है, वह सती देह के सुखों में मग्न है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता एक शख्स यह बीच में है, वह संसार में भौतिक वस्तुओं में सुख खोजता है।
परंतु अंत में सब उस परमात्मा के चरणों में जाना चाहते हैं। इस अनुभव से प्रकृति उन्हें ईश्वर की ओर एक एक कदम उठाना, एक एक सीढ़ी चढ़ना सिखाएगी। श्लोक 38 अध्याय 18। परिणामे विश्वमिव तत्सुख राजसम स्मृतम। विषय, राजस सुख के लक्षण। अनुवाद, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह पहले तो अमृत के समान लगता है परंतु अंत में विष के समान होता है, इसलिए इसे राजस सुख कहा जाता है। चिंतन, शरीर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने का साधन है, किंतु राजस गुणों से संपन्न व्यक्ति आगे आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कभी यह अनुभव नहीं किया कि शरीर से अधिक आत्मा में सुख और संतोष भरा है। आम के खट्टे फलों को खाने में ही उसे सुख और आनंद की अनुभूति होती है। पके आम का मीठा रस उसने कभी नहीं चखा है, क्योंकि उसमें उस आम के पकने तक प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है। वह फलों को देखते ही तोड़कर खाने की जल्दी में है, तो वह क्षणिक सुख का भागी बन जाता है और बाद में उसका परिणाम भुगतते हुए अनेक समस्याओं, रोगों और दुखों का सामना करता है। तो उनकी इस उथली खुशी को भगवान ने बहुत ही उपयुक्त शब्दों में वर्णित किया है। विषय और इंद्रियों के मेल से जो सुख उत्पन्न होता है वह पहले तो अमृत के समान प्रतीत होता है, पर उसका परिणाम विष के समान होता है, इसलिए इसे सुख राजा कहा जाता है। सुख कभी तन में नहीं रहता, उसकी बुद्धि में अर्थात आत्मा में है। बुद्धि मनुष्य की आत्मा है, इसी से सुख के विचार जन्म लेते हैं और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यदि वह बुद्धि शरीर में अटकी रह जाए और परमात्मा तक न पहुंचे तो उस व्यक्ति का संसार शरीर के सुख से आगे नहीं जाता। क्षणिक सुखों में ही शरीर को सुख मिलता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वे अस्थायी सुख और दीर्घ पीड़ा को जन्म देते हैं। इसलिए गुणवान व्यक्ति भले ही इन भौतिक सुखों में क्षणिक सुख प्राप्त कर लेता है, लेकिन दीर्घकाल में उसे वह सुख कभी नहीं मिलता, इसलिए भगवान ने उन सुखों को राजस सुख कहा है। बोध, जब तक हम इस संसार का अनुभव नहीं करते तब तक हम सुखों से अनजान हैं, अज्ञानी है। संसार धन, दौलत, प्रतिष्ठा, दिखावे, पद, सम्मान की वस्तुओं में सुख खोजने का प्रयास करता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं के ये सभी सुख कुछ ही पलों के लिए होते हैं। अगर आप किसी को उससे बेहतर कुछ करते हुए देखते हैं तो यह खुशी वहां गायब हो जाती है, फिर कुछ और करने की इच्छा जाग उठती है, तब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, अपनी क्षमता से अधिक हासिल करने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, इसमें सारी ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन ऐसे ज्ञानी के मन में यह सिद्धांत अंत तक नहीं आता कि पूरी दुनिया से मुकाबला संभव नहीं है, क्योंकि शरीर से परे देखने की उसकी दृष्टि इस सती दिखावे से धुंधली हो जाती है। फिर जीवन भर वह शरीर के सुख में वास्तविक सुख खोजने जाता है, पर वह दिव्य सुख उसे कभी नहीं मिलता। वह नहीं जानता कि शरीर से परे आत्मा में, उस सार में जाए बिना इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। श्लोक 39 अध्याय 18। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहन मात्मन। निद्रास्य प्रमादोत्थ तत्तामस्य मुदाहृतम्। विषय, तामस सुख के लक्षण। अनुवाद, जो सुख भोग्य है और फलस्वरूप आत्मा को मोहक है, नींद, आलस्य से उत्पन्न होने वाले सुखों को तामस कहा जाता है। चिंतन, तमोगुणी व्यक्ति आलस्य और निद्रा में सुख का अनुभव करता है। वह आलस्य उसके शरीर में इतनी गहराई से जड़ जमा चुका है कि वह इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसकी स्थिति एक रुकी हुई डिवाइस की तरह होती है। आत्मा और शरीर के बीच जिस ऊर्जा का आदान प्रदान होना चाहिए वह वहीं रुक जाती है। वह कितना भी खा ले, कैसा भी खा ले, उस भोजन की ऊर्जा उसके शरीर में तुरंत नहीं बनती। उनके पेट में खाना कई घंटों तक रहता है, क्योंकि उन्हें बासी खाना खाना काफी पसंद होता है। जिस भोजन में पौष्टिकता समाप्त हो गई हो, ऊर्जा समाप्त हो गई हो, यदि उसे पेट में भर दिया जाए तो वहां जठराग्नि कैसे जलेगी? वह ऐसे ही पड़ा रहेगा और उन्हें सुस्त बना देगा। इसलिए जरूरी है कि ताजा, ठीक से पका हुआ खाना खाएं और ताजा ही खाएं। बहुत से लोग ताजा खाना बनाकर थक जाते हैं। उनके लिए फ्रिज और फ्रीजर का आविष्कार किया गया है। उसमें कई दिनों का खाना जमा रहता है। जब वह अलमारी खोलकर खाना चाहता है तो उत्तेजित होने के बजाय शरीर जमकर जम जाता है। फिर किसी काम में मन नहीं लगता। मनुष्य वर्तमान कार्य को बाद में और बाद में कार्य को कल पर टालने लगा। उनका मूल स्वभाव उत्साह इस जमे हुए भोजन से जम गया था। फिर भी हम अपने घर में ये ठंडी अलमारी दिखावे के लिए रखते हैं, कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, कामों से बचने के लिए। उससे दोस्ती करते हैं, क्योंकि यह इतना विलासी, आलसी जीवन जीने में मदद करता है। अगर किसी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसका साइड इफेक्ट भी भुगतना पड़ता है। वे सीधे जीवन को ही प्रभावित करते हैं। बोध, अब हम हर जगह तस्वीर देखते हैं कि लोगों को काम करने की आदत नहीं है। इसका कारण यह है कि हमने जितनी भी मशीनों का आविष्कार किया है,
हमने अपने कर्म को स्वाभाविक न रहने देकर इन मशीनों के हाथों में अपना पूरा जीवन सौंप दिया है। उसने खुद को खो दिया। दिन में होने वाला काम चुटकी बन गया, लेकिन उसने अपनी चाल धीमी कर दी। शरीर में ऊर्जा बर्बाद होती है। यह ऊर्जा जहां भी रहती है वहां अव्यवस्था पैदा कर देती है, क्योंकि यह चंचल है, गतिशील है। इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है, इसे जमाया नहीं जा सकता है। यह जितनी बहेगी उतना ही उन तत्वों में स्फूर्ति उत्साह पैदा करेगी। हमारे द्वारा अपनाई गई यह यांत्रिक जीवन शैली हमारी ऊर्जा को शरीर में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित नहीं होने देती। तब शरीर मधुमेह और रक्तचाप जैसे विकारों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। जैसे ही घर में सिलबट्टा, चक्की, उखली और चूल्हे बाहर गए और ग्रिल, मिक्सर, फ्रिज, ओवन अंदर आए, घर और हमारे शरीर का घर भी आलस्य और नींद का घर बन गया। फिर जिम, हेल्थ क्लब आए, लेकिन जैसा कि यह प्राकृतिक गति और व्यायाम प्रदान नहीं करता है, यह भी अप्रभावी हो गया और तमोगुणी पीढ़ी का उदय होने लगा। श्लोक 40 अध्याय 18। न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्व प्रकृति जय मुक्तम यद्भि स्यात्रिर्गुणाय। विषय, तीन गुणों के विषय का निष्कर्ष। अनुवाद, पृथ्वी पर, आकाश में या देवताओं में भी ऐसा कोई प्राणी या पदार्थ नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों से रहित हो। चिंतन, समस्त सृष्टि की मूल प्रकृति, उसके अवयव, जीव एक ही प्रकृति के हैं। वह तटस्थ, भारहीन, निर्गुण, दिव्य है। उसे कोई विकार नहीं है। उसका रूप शुद्ध और शक्तिशाली है, लेकिन केवल इसलिए कि उसे परिवर्तन का गुण मिला, यह दुनिया, इस ब्रह्मांड ने उससे आकार लिया। वह वायु और तत्वों में परिवर्तित हो गई थी, फिर उससे विकार और दोष उत्पन्न हुए। परिवर्तन विकारों और दोषों से ही होता है। इसी प्रकृति को हम माया कहते हैं। वह अकेली ही इन तीनों गुणों से संपन्न है। जो गुण रहित है वह तटस्थ गुणों से आच्छादित है और रूपांतरित होता रहता है। जैसे हम अच्छे दिखने के लिए अलग अलग कपड़े पहनते हैं, वैसे ही यह हमारे गुणों के साथ मूल ऊर्जा को कोट करता रहता है। फिर वह मूल ऊर्जा पहले सत्व गुण में, फिर रजो गुण में और फिर तमो गुण में प्रतिबिंबित होती रहती है। इसलिए हम गठन, स्थिति और लय शब्दों का भी उपयोग करते हैं। यह चक्र सदा चलता रहता है, तो यह पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। पृथ्वी, आकाश, भूत, देवता आदि के अतिरिक्त अन्यत्र कोई प्राणी या पदार्थ नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों से रहित हो। बोध, कुछ बनाने के लिए कुछ तोड़ना भी जरूरी है, फिर उसी से नया तत्व निर्मित होता है। अन्य जंतु पौधों को खाकर बनते हैं। पांच तत्वों का रूपांतरण होता है और जीवन का जन्म होता है। इन सभी परिवर्तनों का मूल कारण इस ब्रह्मांड के परिवर्तन का नियम है। प्रकृति उन सभी परिवर्तनों के होने के लिए ही उभरती है, जन्म लेती है। फिर ये तीन गुण है, उन त्रिगुणों का प्रभाव आदि परमात्मा की ऊर्जा पर पड़ता है और यह ब्रह्मांड जीवन रूप आकार लेता है। इन गुणों के बिना परिवर्तन असंभव है। इसलिए यदि हम उसके प्रभाव को जानकर और उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार और आहार में परिवर्तन करते हैं, तो हम भी काफी हद तक तटस्थ, सामान्य हो जाते हैं। अब तक हमें 18वें अध्याय के श्लोक नाम 19 से 40 तक विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख के बारे में बताया गया। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।